क्या पढ़ा रहे थे हमारे आपको, कितना कितना हो गया भाई? बस चल रहा है। हम पंछी उन्मुख गगन के, ये बोला बोला। ओके टीचर कहाँ आपके? मुझे थोड़ा ये रहा कि जब भी मैं जाता हूँ इंस्पेक्शन वगैरह पे, तो किसी ना किसी स्कूल में ज़रूर जाता हूँ। उनकी शिक्षा व्यवस्था का, सफाई व्यवस्था का सारा संज्ञान भी लेता हूँ और साथ में उनको गाइड भी करके आता हूँ। हिंदी पढ़ रहे थे वो, सातवीं क्लास में हिंदी का पीरियड था, तो उसके अंदर उनको मैंने एक मिठाई वाला उनका पार्ट है तो थोड़ा बहुत उसके बारे में बताया। पानीपत के DC सुशील सारवान, जो जब भी निरीक्षण पर निकलते हैं तो किसी न किसी स्कूल में जाकर वहां पर व्यवस्था ज़रूर देखते हैं। आज भी जिला उपायुक्त सुशील सारवान ने जिले के नवादा आर गांव के राजकीय मिडिल स्कूल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अध्यापकों को निर्देश दिए कि वे स्कूल के कमरों में प्रतिदिन सफाई करवाना सुनिश्चित करें। उन्होंने स्कूल के प्रांगण में लड़कों व लड़कियों के लिए बने शौचालयों की सफाई पर ध्यान देते हुए अध्यापकों को निर्देश दिए कि शौचालयों की सफाई प्रतिदिन अच्छी प्रकार से होनी चाहिए। इतना ही नहीं, DC खुद कक्षाओं में पहुंचे और वहां जाकर विद्यार्थियों के साथ पढ़ाई के बारे में अनुभव भी साझा किए और खुद टीचर की चेयर पर बैठकर उन्होंने बच्चों को पढ़ाया भी और उस विषय के बारे में समझाया भी। ये बात खुद बताई DC सुशील सारवान ने। क्या पढ़ा रहे थे हमारे आपको, कितना कितना हो गया भाई? बस चल रहा है। हम पंछी उन्मुख गगन के, ये बोला बोला। ओके टीचर कहाँ आपके? टीचर बुलवाओ जी। आते हुए नवादा गांव के स्कूल में भी थोड़ी देर रुका मैंने, वहाँ पर क्लास में भी देखा बच्चे क्या कर रहे हैं। हिंदी का उनका पीरियड था तो वो भी चेक किया पढ़ाई वगैरह का, और साथ ही मैंने उनके टॉयलेट्स वगैरह भी चेक कराए और पीने के पानी की व्यवस्था भी देखी। मैंने वहाँ कार्य प्रिंसिपल को, अध्यापकों को, सबको कहा कि बच्चों का मन बड़ा कोमल होता है और आजकल मौसम जो है वो बड़ा गर्मी भरा है, तो इसमें पानी की व्यवस्था और चीज़ों का, सब चीज़ों का ध्यान रखें। और स्कूल पूरे अनुशासन में चल रहा था, मैं इसके लिए शिक्षा विभाग को बधाई भी देता हूँ। क्या पढ़ा क्या है सर, कौन सी क्लास में? हिंदी पढ़ रहे थे वो, सातवीं क्लास में हिंदी का पीरियड था, तो उसके अंदर उनको मैंने एक मिठाई वाला उनका पार्ट है तो थोड़ा बहुत उसके बारे में बताया। बच्चे भी चौंके होंगे कि शहर का DC पढ़ाने का। नहीं, मुझे थोड़ा ये रहा कि जब भी मैं जाता हूँ इंस्पेक्शन वगैरह पे, तो किसी ना किसी स्कूल में ज़रूर जाता हूँ। उनकी शिक्षा व्यवस्था का, सफाई व्यवस्था का सारा संज्ञान भी लेता हूँ और साथ में उनको गाइड भी करके आता हूँ। स्कूल में निरीक्षण के दौरान उन्होंने अध्यापकों को निर्देश देते हुए कहा कि पास आउट बच्चों का डाटा स्कूल रिकॉर्ड बुक में सुरक्षित अवश्य रखें, क्योंकि भविष्य में वे बच्चे कामयाब होते हैं और उनके बारे में स्कूल के अन्य विद्यार्थियों के बारे में बताया जा सके, ताकि अन्य बच्चों को भी आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती रहे। इस दौरान उन्होंने स्कूल में विद्यार्थियों के लिए पीने के पानी की समस्या के बारे में पता चलने पर तुरंत संबंधित अधिकारियों को वाटर कूलर लगवाने के निर्देश दिए। प्रॉब्लम लगी है स्कूल में और भी सरकारी स्कूल में? जैसे उस स्कूल के अंदर मेजर प्रॉब्लम थी, पीछे से उनकी एक चारदीवारी टूटी हुई थी, तो मैंने वहीं पर ही BDO साहब को, उन सबको कहा कि पीछे से इसकी आप तार लगा के, कंटीली तार लगा के, चारदीवारी जब तक नहीं आती तब तक कंटीली तार लगा दीजिए। और एक मैंने उनको वृक्षारोपण का कहा है कि जमुना के तटाव पे गए और वहाँ पर हमने तैयारी देखी कि आने वाली बारिशों से पहले हम यमुना से जो कटाव है उसको दूर रखें और पानी का जो भी फ्लो है वो ठीक से निकल जाए। शहर के अंदर से जो हमारा ड्रेन नंबर 1 है, इसमें काफ़ी कई जगह पर प्लास्टिक का बहुत ज़्यादा कचरा हो गया है, तो वो सारा साफ़ कराया जाए और उसको हम MCP और हमारी एक्सिन इरीगेशन दोनों की टीम संयुक्त से कराएंगे। कमिश्नर साहब से ये भी बात की जाएगी कि शहर के नाले भी बड़े भरे हुए? हाँ जी, सारे नाले साफ कराए जाएंगे, सारे नाले बकायदा बारिशों से पहले साफ कराए जाएंगे, ताकि बारिशों में आमजन को दिक्कत ना हो।
वहीं डीसी सुशील सारवान ने बताया कि बरसाती मौसम आने से पहले शहर के नालों की सफाई करवाई जाएगी और ड्रेन नंबर 1 को भी साफ करवाया जाएगा ताकि किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए प्रदीप पांचाल के साथ कुलवंत सिंह।